25 से शुरू किया था स्टेज, तो माशाल्लाह 23 इयर्स हो गए हैं मुझे काम करते हुए, 23 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा मैंने गुजारा है वहाँ पे। शुक्र है अल्लाह का, इज्जत से वकार से गुजारा है। हर बंदा मुझे बेटी बहन की नज़र से देखता है, किसी ने आज तक बुरी नज़र से नहीं देखा मुझे। बस ये अब कुछ थिएटर के हालात आपको बताइए जो जा रहे हैं, हर तरफ के हालात ख़राब है, खाली थिएटर के नहीं हैं। मैंने स्टार्ट फर्स्ट प्ले था मेरा 1 वे टिकट और हाल 1 में अलमरा में किया था मैंने, और इसमें थे अब तो काफ़ी आर्टिस्ट इंतकाल कर चुके हुए हैं उसमें से, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे। मैंने अपना शौकी खान साहब, बबू बराल साहब, मस्ताना साहब भी कास्ट थी उसमें। शौक ऐसे हुआ कि मेरे वाले साहब का मिलना जुलना ना अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वाले साहब को, वो फरदोस जमाल साहब के साथ भी था, आपस में हेलो आए थे। तो मेरा शौक था टीवी में काम करने के लिए, तो टीवी तो खैर मैं नहीं कर सकी। साल के बाद मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया, उनकी ब्रेन हैमज हो गया था उनको, तो फिर मुझे फिर जुनून बूटी सी हुई कि मैं चलूँ। फिर मैं और मेरी वालदा, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, हम दोनों अलमरा के पास गई, अंदर गए हैं, वहाँ पे ड्रामा लगा हुआ था फरदोस जमाल साहब का, तो वहाँ से हमें बाहर अल्लाह जन्नत नसीब करे तमन्ना बेगम साहिबा मिली। तमन्ना बेगम साहिबा मिली, उन्होंने उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम ये फरदोस जमाल साहब से मिलना है, तो तमन्ना बेगम साहिबा कहती हैं बेटा आपने क्यों मिलना है? मैंने कहा मैंने काम करना है ड्रामों में, तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ से चली जाओ, यहाँ सबज बाग बहुत दिखाते हैं, हाथ थामने वाला कोई नहीं है। खैर उस वक्त मैं बसीद थी और हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे, होटल हमारा बिक गया, दर बदर हो गए, तो वो शौक मजबूरी बन गई। फिर भाई तब से ये सिलसिला चल रहा है। नाम मिस वर्ल्ड है, मिस 2007 है, इश्क इश्क बचावे गली गली है, बहुत से ड्रामे इतने कह के आप रिसर्च करोगे ना तो आप थक जाओगे, 23 साल के ड्रामे हैं। मैडम नरगस के साथ काम की है, शिबा हसन साहबा के साथ काम की है, शुबाना शेख साहबा के साथ काम की है, दीदार के साथ काम की है, अपना अब जो चल रही है जो आफरीन खान, आफरीन पड़ी और अपना निदा चौधरी, ये तकरीबन ये सभी के साथ मैंने काम कर रही हूँ। साथ देती हुकूमत, हुकूमत कह तो देती है, मैं इस बात पे हूँ। मुझे कल एक आई थी मैडम, कह रही थी हम नून लीग से होती हैं, तो वो आप शिबा भट्ट साहबा से मिले, वो नून लीग वाले कुछ दे रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, फ़ंड दे रहे हैं, ठीक है। वो अभी उन्होंने भी मुझे कहा, कल एक और आर्टिस्ट भी आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे फॉर्म स्टाम्प पेपर ला के दिया, उन्होंने फिल किया, उन्होंने कहा जी अलमरा आर्ट काउंसिल में आप जमा करवाएँ तो आर्टिस्टों को पैसे मिल रहे हैं। अब पता नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मुझे इस बात का इलम नहीं है, लेकिन हाँ एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी थी अलमरा कल्चर अलमरा माल वाले से, इन्होंने मुझे 20,000 दिए थे। मुस्तकिल कोई ऐसा नहीं है कि आर्टिस्टों के मतलब के कुछ सोचा जाएगा, ये गरीब आदमी है इनको मिलता क्या है। जो छोटे जैसे मेरे जैसी आर्टिस्ट ले लें, कि मैं इतनी कोई नाम वाली या सुपर स्टार नहीं हूँ, इन लोगों को ऐसे छोटे बड़ों को तो सभी पूछते हैं। अब वारिस बेग साहब को जी महीना लगा हुआ है, उनका लगता है बनता है। वारिस बेग साहब को मेरे सामने, मैं दुश्मन नहीं हूँ आर्टिस्टों की, लेकिन हक आर्टिस्टों का बड़े आर्टिस्ट खा रहे हैं, छोटा आर्टिस्ट की इज्जत कोई नहीं है। लेकिन जब उस पर भी मुसीबत आती है, जवाल आता है, उसको भी कोई तंग नहीं करता, उसके साथ भी कुछ करते हैं, जो करते हैं वो आसान कर देते हैं कि जी हमने ये किया है, वो बड़ा आसान होता है उस पर। लेकिन इस बात पे मैं ना नसीम विक्की साहब जो इनकी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इनको अल्लाह इतना नवाजे,
कि जितना कि वो संभाल ना सके। मेरी वालदा को ब्रेन हैमज हो गया था, तो मैं ना ड्रामा कर रही थी अलमरा 2 में। तो एक आर्टिस्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं वहाँ मेरे कुछ 1200 रुपये को बड़ी रकम नहीं है वो रह गए थे, मैं लेने गई। मुझे उन्होंने कहा जी बीबी पहले आप एंट्री करेंगी फिर आपको पैसे मिलेंगे। मैंने कहा भाई इस तरह से मेरी वालदा हॉस्पिटल में दाखिल है। नसीम भाई ने ना अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे ताकि हम उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उन्होंने मुझे ना हौसला दिया और सभी आर्टिस्टों के साथ से मुझे पैसे इकट्ठे करके दिए। तो उन्होंने मुझे कोई 70,000 रुपये इकट्ठे करके दिए थे आर्टिस्टों से। सेल अहमद साहब के पास में गई, उन्होंने मेरी वालदा की मंथ की दवाइयों का कर दिया था कि जितनी देर मतलब कि उनकी ज़िंदगी जितनी थी उतना उन्होंने, सेल साहब उनको महीने की दवाइयों की मेडिसिन के पैसे देते रहे थे। ये मेरे साथ तामुन सभी ने किया है आर्टिस्टों ने, लेकिन ये गवर्नमेंट हुकूमत से कोई तामुन नहीं है। थिएटर से तो अब आपको पता है जो जा रहे हैं हालात। तो फिर मैंने कहा चलो मेरा जहन एक बना के चलो मुझे आता है ये काम, तो मैं ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट सा खोल लूँ। तो ये मैंने पिछले दिसंबर 23 तारीख को ये खोला। तो अभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि खर्चा पानी निकल आता है, पेड कस्टमर भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये आसपास वाले दुकानों वाले भी सारे सामने दूध दही वाले हैं वो, और वो जो गुर्दे कपूरे वाले हैं वो तकरीबन रिपीट कस्टमर मेरे लगे हैं, फैमिली एक रिपीट लगे ही हुई हैं। लोगों का रवैया ये है कि लोग खुश होते हैं, कहते हैं कि चलो जी किसी से मांगने से बेहतर है, बुरे काम करने से बेहतर है कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं।